गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस काम कैसे करता है। जब मैं इंटर्न था तब सोचता था कि सिर्फ पेट में सलाइन छोड़ने से रिपोर्ट्स कैसे इम्प्रूव हो जाते हैं, ये किडनी फेल्यूर में पेरिटोनियल डायलिसिस काम कैसे करता है। पेरिटोनियल जैसा नाम है कि पेरिटोनियल कैविटी में हम डायलाइजर फ्लूइड डाल के जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। अब जब भी कोई रीनल फेल्योर का पेशेंट है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस इंडिकेटेड है, उसमें दो प्रिंसिपल काम करते हैं। उसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि सपोज़ एक कंटेनर है और उसके बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगा दी है। अब सपोज़ पहली बार ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, मीन्स कोई भी सोल्यूट पार्टिकल और लिक्विड, समझो मैंने यहाँ पे कोई लिक्विड भर दिया है, यहाँ पे भी लिक्विड है और ये मेम्ब्रेन परमिएबल, मतलब इसमें से बहुत ही माइन्यूट ऐसे पोर्स है या फिर छेद है। तो अगर इसमें कोई सोल्यूट है, कोई पार्टिकल्स है, समझो मैंने इसमें नमक घोल दिया, तो इसमें सोडियम के पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। और अगर ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, मतलब ये सोडियम यहाँ से इसके थ्रू अपोजिट चेंबर में अगर जा सकती है और यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा नमक डाला है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे थोड़ा सा कम डाला है, तो क्योंकि ये सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज़्यादा है चेंबर के उस साइड के हिसाब से, तो कुछ सोडियम के पार्टिकल ट्रैवल करके इस पोर में से यहाँ पे आ जाएंगे। कब तक? जब तक के दोनों तरफ का सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इधर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर का सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए सोडियम यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। और एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कंसेप्ट है। अगर समझो ये मेम्ब्रेन अभी सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल मतलब ये सोडियम के पार्टिकल्स इसके थ्रू नहीं जा सकते लेकिन वाटर जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एक साइड में ज़्यादा नमक डाला हुआ है तो सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स है जो मैंने ब्लू डॉट से दिखाया है उसका कॉन्सेंट्रेशन इधर में ज़्यादा है और इधर में नमक कम डाला है, मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज़्यादा है। अब सोडियम को ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, यहाँ से ये सोडियम नहीं जा सकेंगे, तो क्या होगा, ये साइड का जो सोडियम है ये इस साइड का वाटर खींच लेगा और वाटर इस साइड से इस साइड में आना शुरू होगा। कब तक? जब तक कि वाटर शिफ्ट होके दोनों तरफ का सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। तो कुछ देर के बाद अगर आप देखोगे तो इस मेम्ब्रेन में अगर हम देखोगे तो ये साइड में बहुत ज़्यादा पानी का लेवल हो जाएगा और ये साइड में पानी का लेवल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर का वाटर इस साइड में शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम जो वाटर को खींच रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। है ना? और जो मॉलिक्यूल पानी खींचने की ताकत रखता है उसको कहते हैं ऑस्मोल्स, जैसे सोडियम है और ग्लूकोज है। तो सोडियम और ग्लूकोज ये दो मेन ऑस्मोल्स है जो काम करते हैं हर किसी में, हमारे बॉडी में भी और बाहर भी। तो अगर हम जब पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, है ना, तो पेरिटोनियम हमारी बॉडी का जो, सपोज ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और इसके जो अंदर की इसमें एक लेयर लगी होती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम, ये बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है और उसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये इस तरीके से पूरा एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड वेसल्स होते हैं। जब आप यहाँ से कोई पाइप इंसर्ट करते हैं, पेरिटोनियल कैथेटर इंसर्ट करके जब इसके अंदर फ्लूइड भरते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स और ये पेरिटोनियल फ्लूइड, ब्लड वेसल्स के अंदर है ब्लड, तो ब्लड और पेरिटोनियल फ्लूइड इसके अंदर फिर ऑस्मोसिस और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होता है। तो जो ब्लड के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं वो आइदर बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के कारण ये पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स में से फिर सोडियम, क्रिएटिनिन, पोटेशियम,
तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ब्लड में से पेरिटोनियल फ्लूइड में आएगा या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड में से ब्लड में जाएगा, डिपेंड करेगा कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, उनकी ऑस्मोलैरिटी कैसी है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप ये इसको ड्रेन करोगे तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पेरिटोनियल कैविटी में खींचा गया है वो बाहर आ जाएगा। सो नेक्स्ट साइकिल में जब आप इसको फिर से भरोगे, एब्डोमिनल कैविटी को फिर से भरोगे, उसमें फिर से आइदर एब्जॉर्ब होगा या फिर रिमूव होगा और नेक्स्ट साइकिल में वो ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस काम करता है। जब आप पेरिटोनियल फ्लूइड फ्लो के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचाते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी के जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसके जो ब्लड वेसल्स है उसके साथ में एक्सचेंज होता है आइदर डिफ्यूजन द्वारा और ऑस्मोसिस द्वारा। तो बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में बिल्डअप हुए है बिकॉज किडनी काम नहीं कर रही है तो वो सारा प्रोडक्ट जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाती है और जब आप उसको ड्रेन करते हैं वेस्ट की तरफ तो वो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में से निकल जाता है। अब क्या इंडिकेशंस है पेरिटोनियल डायलिसिस के? जैसा हमने सबको पता है कि जब किडनी काम नहीं करती है, किडनी फेल्यूर में है, उस वक्त पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस कई प्रकार के हैं, उसमें से एक पेरिटोनियल डायलिसिस है, दूसरा डायलिसिस हीमोडायलिसिस है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे। एक्यूट मीन्स कुछ दिनों के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस करना है। तब जब पेशेंट क्रोनिक रीनल फेल्यूर में जाता है तो उसे क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस लगता है, उसके लिए CAPD और बाकी टाइप के पेरिटोनियल डायलिसिस है। ये एक्यूट इमरजेंसी हैंडल करने के लिए किया जाता है, इसको एक्यूट पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। तो इसमें कैथेटर हम एब्डोमेन में डाल के डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। तो क्या क्या इंडिकेशंस है पेरिटोनियल डायलिसिस? सबसे पहले कोई भी डायलिसिस करने का मोस्टली जो कारण रहता है वो है रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर में अगर यूरेमिक एनकेफेलोपैथी है या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिटर्न करके है और पल्मोनरी एडिमा हुआ है और आपको फ्लूइड निकालना है ऑस्मोसिस के द्वारा तो आपका पेरिटोनियल डायलिसिस काम करता है। तीसरा, जब कभी भी हाइपरकैलेमिया है, पेशेंट का पोटेशियम बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ गया है यूरेमिया के कारण या किसी और चीज़ के कारण, फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में ट्यूमर्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो सेल्स के अंदर का पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और जब ये पोटेशियम आपके रूटीन मेडिकल केयर को जैसे इंसुलिन, ग्लूकोज का ड्रिप है, सोडा बाइकार्ब है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता तब आपको पेरिटोनियल डायलिसिस करना होता है। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड है पेशेंट वेंटिलेटर पे, आप उसको थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड रखना चाहते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपको और एसिडोसिस के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको पेरिटोनियल डायलिसिस हेल्प कर सकता है। देन इसके अलावा कुछ नॉन रीनल कॉजेस है, नॉन रीनल कॉजेस मतलब किडनीज काम कर रही है लेकिन कुछ बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी को हार्म कर रहे हैं और आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल कुछ पॉइजनिंग है, सॉल्ट पॉइजनिंग है जो पेरिटोनियल डायलिसिस द्वारा निकाले जा सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। यूरिया साइकिल डिफेक्ट है, यूरिया साइकिल डिफेक्ट में भी आप ऐसे पेरिटोनियल डायलिसिस करके उसको रिमूव कर सकते हैं। इनबॉरियर ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसमें ऑर्गेनिक एसिडेमिया है वो सारी चीज़ें भी पेरिटोनियल डायलिसिस में से निकल सकता है। तो हम क्या समझते हैं कि जो चीज़ ऑस्मोसिस या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट द्वारा मूव हो सकती है पेरिटोनियल कैविटी में जो डायलाइजर डाला है उसमें आ सकती है उसके लिए आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। क्या पेरिटोनियल डायलिसिस रीनल फेल्यूर के सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर करता है? नहीं, किडनी के और भी काम है जैसे इरिथ्रोपोएटिन द्वारा हीमोग्लोबिन को बढ़ाना और विटामिन डी का रेगुलेशन करना, उसमें पेरिटोनियल डायलिसिस काम नहीं करेगा। ये अब क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन से इसमें हमको ये नहीं करना है? कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमको देखना है कि अगर रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी है तो हमें इसे नहीं परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, पेरिटोनाइटिस है या फिर इन्फेक्शन है या फिर आपका एब्डोमिनल वॉल पे इन्फेक्शन है या फिर किसी बच्चे को ओम्फेलोसील है, गैस्ट्रोकाइसिस है, इंटेस्टाइन बाहर आए हुए हैं तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में आप नहीं कर पाओगे। बहुत बार वीपी शंट डला होता है ना, ब्रेन हाइड्रोकेफेलस के ट्रीटमेंट के लिए एक वीपी शंट पेरिटोनियल कैविटी में पड़ा होता है तो वैसे इसमें आपको
पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करना है, पेट के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन है तो आपको पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करना है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए हमको क्या लगेगा? सबसे पहले तो एक पेरिटोनियल फ्लूइड्स लगेंगे हमको। अब पेरिटोनियल फ्लूइड्स बहुत बार कोल्ड होने के कारण एब्डोमिनल पेन होता है, तो इसको प्री वॉर्म करना है। प्री वॉर्म करने के लिए आप इसको गुनगुने पानी में डुबा के रख सकते हैं, या फिर जो हॉट मैट्रेसेस होती है जो बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज़ करते हैं हॉट फोमेंटेशन के लिए, वो जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, उसको आप इसके अगेंस्ट रैप करके उसको हॉट कर सकते हैं। या फिर फ्लूइड वार्मिंग डिवाइसेस भी आते हैं जिसके हेल्प के कारण आप ये डायलाइजर को वार्म करके रख सकते हैं, गर्म नहीं करना है, वार्म करना है। फिर एक दो आईवी सेट लगेंगे, प्रिफरेबली बीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट लीजिए, जो यहाँ से एक यहाँ पे कनेक्ट करेगा और एक यहाँ से ड्रेन को कनेक्ट करेगा, आउटफ्लो को कनेक्ट करेगा, एक इनफ्लो के लिए एक आउटफ्लो के लिए। आपको थ्री वे कनेक्टर्स लगेंगे, आपको एक यूरो बैग लगेगा, यूरो बैग में आप यूरोमीटर के साथ में लीजिए ताकि आपको पता चले कि हर बार में कितना फ्लूइड रिमूव हुआ है। तो इसके ऊपर भी मार्किंग होते हैं, इसके ऊपर कैलिब्रेशंस होते हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना फ्लूइड आपने इन किया है, और इसके हिसाब से यहाँ के जो कैलिब्रेशन है उसे आप देख सकोगे कि कितना फ्लूइड आउट हुआ है, इस हिसाब से आप फ्लूइड का कैलकुलेशंस कर सकोगे। फिर आपको एक कैथेटर लगेगा जो आपको पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट करना है, पीडी कैथेटर जो बोलते हैं, वो बेबी है या फिर अडल्ट है उस हिसाब से आपको उसका साइज सिलेक्ट करना है। न्यूबॉर्न में आप चाइल्ड पीडियाट्रिक जो कैथेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कैथेटर बच्चे के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको उस हिसाब से उसको कट करना है ना, कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एरिया को क्लीन करने के लिए आपको एक सॉल्यूशंस लगेंगे जिसको आप क्लीन करोगे। उसके अलावा आपको एक ब्लेड लगेगा इंसर्ट करने के लिए, नीडल लगेगा 18 नंबर का, और उसके अलावा आपको बाकी जो प्रिकॉशंस हम बाकी में प्रोसीजर्स में लेते हैं, कैप है, मास्क है, गाउन है, उस हिसाब से पूरे करके हैंड वॉश करके रेडी होना है, और ये सारी चीज़ें करना है। अब कोई भी इन्वेजिव चीज़ें हम जब करते हैं तो कुछ चीज़ें हमने देख लेनी चाहिए। प्लेटलेट 50,000 के ऊपर हो, INR उसका 150 से कम हो, और ये आपका फ्लूइड वार्म हो, पेशेंट का कंसेंट ऑलरेडी लिया हो, उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हो। प्रोसीजर शुरू करने के पहले ऑलवेज बेटर है कि आप एब्डोमेन पालपेट कर ले कि कहीं कोई स्प्लीन तो नहीं है, कोई ऑर्गन तो नहीं है, वरना ऐसा हो कि हम नीडल डाले और अंदर में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो आपको वो चीज़ें भी देखनी है कि कहीं कुछ ऑर्गन तो पालपेबल नहीं है। इसके अलावा आपको असेप्टिक का पूरा प्रिकॉशंस लेना है। बहुत से यूनिट में पीडी करने से पहले वो एक यूएसजी सोनोग्राफी करवा लेते हैं ताकि कोई अंदर की चीज़ मिस ना हो, है ना। कभी कभी एक्टोपिक किडनी रह सकती है या फिर कोई मास रह सकता है जो प्रोसीजर के वक्त परफोरेट हो सकता है। तो कंसेंट होगी, सारी चीज़ें हो गए, आप क्लीन होके तैयार हैंड वॉश करके रेडी हो गए, आपको ये असेंबली रेडी करके रखना है। ये इसमें एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है और इसको यहाँ पे थ्री वे पे कनेक्ट किया है, दूसरा जो बीटी सेट है वो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और उसका ये जो पोर्शन है यहाँ का हमने कट कर दिया है और उसको यूरो बैग में इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो असेंबली होंगी इसको हम स्टराइल इसमें रखेंगे, इसका थ्री वे दोनों के लिए ओपन रहेगा, और इसको रैप करके रखना है एक स्टराइल शीट में। आपको जब फ्लूइड इन करना है तो इसको ऑन रखना है, इसको क्लोज रखना है, फ्लूइड स्टे रहेगा तो दोनों नॉब बंद रहेंगे, और जो आप जब आपको ड्रेन करना है तो सिर्फ ये वाला नॉब ओपन होगा तो ये ड्रेन हो जाएगा। तो आपको इसके थ्रू पीडी को ऑपरेट करना है, इस चीज़ को हाथ नहीं रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कनेक्शंस बना के रखे हुए हैं, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ से एंट्री हो सकती है इन्फेक्शन की, तो इसलिए हमको इतना सेटअप बना के रखना है। फिर प्रोसीजर शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने कहा, पहले एब्डोमेन पल्पेट कर लेना है, किसी ऑर्गेनोमेगाली को रूल आउट करना है। अब जब आप कैथेटर डालते हैं तो उस प्रोसीजर में अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें एक आर्टिफिशियल असाइटिस क्रिएट करना है, जिसे लेग क्रिएट करना कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि जब एब्डोमेन में बहुत सारा फ्लूइड रहेगा और आप जब कैनूला और ट्रोकर डालोगे अंदर में, और कहीं कारण से अगर वो बॉवेल को लगता भी है तो फ्लूइड के कारण वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, उसको डैमेज नहीं होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक आर्टिफिशियल असाइटिस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस लेते हुए अच्छे से पूरा पोर्शन क्लीन करना है, फिर आप उसको एक स्टराइल शीट डालना है, होल शीट डालना है। आइडियल साइट है अम्बेलिकस के
जस्ट 1 सेंटीमीटर बिलो यहाँ पे आपको कैथेटर इंसर्ट करना है। लेकिन कैथेटर इंसर्ट करते वक्त आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है कि जब आप कैथेटर इंसर्ट करें तो जब आप यहाँ से इंसर्ट करोगे तो उसके जो मैक्सिमम जो उसमें होल्स है वो मैक्सिमम बॉडी के अंदर रहने चाहिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है और ये लेंथ इतनी पॉसिबल नहीं है कि सारे पोर्स अंदर रहे तो लैटरली इंसर्ट भी कर रेक्टस एब्डोमिनिस के लैटरल मार्जिन से भी इंसर्ट किया जा सकता है या फिर सुप्रा अम्बिलिकल अप्रोच भी लिया जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिकमेंडेड अप्रोच है वो इंफ्रा अम्बिलिकल 1 सेंटीमीटर नीचे लेना है। अगर आपने यहाँ से डाला, यहाँ से अगर सुप्रा अम्बिलिकल अप्रोच लेते हैं या यहाँ से लेते हैं तो इसमें ओमेंटम जो है जो पेट में एब्डोमेन में ओमेंटम एक होता है जिसको हम पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन भी कहा जाता है तो वो जाके कैथेटर को पकड़ लेता है और कैथेटर को ब्लॉक कर देता है। इसलिए इंफ्राम्बिलिकल अप्रोच सबसे बेस्ट होता है और आपको कैथेटर को आइदर लेफ्ट इलियाक फोसा या राइट इलियाक फोसा में रखना है जिससे कि वो मैक्सिमम पोर्शन उसका थोड़ा पेशेंट को प्रॉप्टअप रखोगे तो फ्लूइड मैक्सिमम नीचे में रहेगा है ना, और जो इसके होल्स वाला पार्ट है कैथेटर का वो फ्लूइड में होना चाहिए जिससे आपका पीडी काम भी बराबर से करेगा और उसके होल्स ब्लॉक भी नहीं होंगे। अगर ये कैथेटर आपने इधर से इंसर्ट करके अगर इस तरीके से वो चला गया तो ओमेंटम के अप्रोच में आ जाएगा, ओमेंटम उसको पकड़ लेगा और ओमेंटम पकड़ने के कारण उसके ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, पूरा फ्लूइड निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ फ्लूइड एब्डोमेन में छूट जाएगा। वही आप अगर उसको इलियक फोसा में रखोगे और पेशेंट थोड़ा प्रॉप्टअप रहेगा तो वो डिपेंडेंट पोर्शन बन के पूरी तरह से फ्लूइड निकाल सकेगा। दूसरा एक अप्रोच उन्होंने बताया कि एक 20 ml/kg वाला फ्लूइड थोड़ा सा एब्डोमेन में रहने दीजिए अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं हो रहा, जिसके कारण से ये जो होल्स है कैथेटर के वो हमेशा फ्लूइड के अंदर रहेंगे और कैथेटर ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट को क्लीन करना है, ये पार्ट को पूरी तरह से आपको बीटाडिन और या फिर जो भी आपकी पॉलिसी है उससे क्लीन करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आपको लोकल एनेस्थेशिया देना है। उसके बाद में आप एक वाइट बोर नीडल 18 नंबर की या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल जो रहती है उसको अंदर डाल के आपको ये डायलिसिस फ्लूइड इसके अंदर जाने देना है। डायलिसिस फ्लूइड कितना जाने देंगे अराउंड 10 to 30 ml/kg के हिसाब से। जैसे अगर 10 किलो का बच्चा है तो 100 से 300 ml आपको अंदर छोड़ना है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। अगर पेशेंट ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, ऑलरेडी उसको सांस लेने में दिक्कत है तो आप 10 ml से ही लोड करेंगे। अगर बच्चे को ऑलरेडी पेट में एसाइटिस है तो भी आप थोड़ा सा कम फ्लूइड यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं है या फिर एसाइटिस ऑलरेडी नहीं है तो आप उसको पूरा 30 ml/kg के हिसाब से भी इसमें लेक तैयार करेंगे। लेक तैयार करने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि जब हम यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट करें तो पेशेंट को इंजुरी ना हो, एब्डोमिनल विसरा या फिर इंटेस्टाइन को इंजुरी ना हो। तो जब आपने यहाँ पे इसमें नीडल डाल के एसाइटिस क्रिएट कर लिया फिर उसके बाद में आपको ट्रोकर और कैनुला देख के स्क्रूइंग मूवमेंट के साथ में इंसर्ट करना है। और वंस जब आपने कैथेटर इंसर्ट करते वक्त गिव अवे का सेंसेशन आ गया उसके बाद में ट्रोकर हटा देना है जैसा हम बाकी प्रोसीजर्स में करते हैं ताकि ट्रोकर किसी और चीज़ को अंदर में डैमेज ना कर दे। और फिर पेशेंट को कैथेटर को धीरे धीरे आपको एडवांस करना है। तो कैथेटर एडवांस करने के बाद इस तरीके से रहेगा। अब एब्डोमेन में ये कर्व है, नेचुरल कर्व है, उसको आपको राइट इलियक फोसा में या लेफ्ट इलियक फोसा में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कनेक्टर आपको दिया जाता है जिससे आपको इस चीज़ के साथ में इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक पर्ल के जैसा एक पोर्शन दिया होता है जो स्किन के ऊपर रेस्ट करेगा और आजू बाजू के एरिया को सील कर देता है। मोस्टली इसमें अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग कर ले तो ये लीक नहीं करता। और अगर आपने जब आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले स्किन और सबक्यूटेनस टिश्यू को आप 11 नंबर के ब्लेड से पियर्स करके रखिए। लेकिन उस वक्त इंसिजन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। अगर आपने बड़ा इंसिजन ले लिया तो इस टाइम पे वो लीक करना शुरू कर जाएगा। तो जस्ट एक स्टैब इंसिजन लेना है आपको ताकि स्किन और सबक्यूटेनस टिश्यू जो कि बहुत ज़्यादा टफ है उसको आप पियर्स कर ले। उसके बाद में कैथेटर इंसर्ट करना है। और ये जो पर्ल के जैसा एक दिया हुआ होता है उन्होंने उसके ऊपर आपको ड्रेसिंग करना है, प्रेशर ड्रेसिंग, प्रेसिंग लगा के, तो जिसके कारण से वहाँ पे पेरी इंसर्शन लीक ना हो, ये एरिया में लीक ना हो। अगर लीक होता है तो आप उसको पर्ल स्ट्रिंग स्टूचर भी ले सकते हैं।
ये जो ऊपर का पोर्शन है इंसर्शन के एब्डोमेन के बाहर का जो है, बहुत से इसमें वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखते, उसको कट कर देते हैं और ये कनेक्शन फिर कर दिया जाता है। तो ये कनेक्शन करने के बाद में सबसे पहले आपको जो भी फ्लूइड अंदर में है उसको ड्रेन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट साइकिल आपको इन करना है। अब नेक्स्ट साइकिल इन करने के बाद कभी कभी इसमें जब आप इंसर्ट करते हो तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, और ये ब्लीडिंग आपके कैथेटर को या फिर आपके ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। तो इसमें हिपेरिन डाला जाए, आपकी 1 लीटर की जो बॉटल आती है उसमें आपको 500 यूनिट हिपेरिन डालना है। 500 यूनिट मतलब अराउंड 0.5 ml के करीब आएगा, है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। 500 इंटरनेशनल यूनिट हिपेरिन आपको इसमें डाल के रखना है, और शुरुआत के कुछ साइकिल फास्ट करने हैं। मतलब जस्ट आपने डाला है अंदर डालते वक्त इसका डोज भी 10-30 ml पर kg के हिसाब से आपको देना है। आपको इसके अंदर एब्डोमेन में डालना है और तुरंत ड्रेन करना है, जिससे क्या होगा जो भी अंदर में ब्लड होगा वो सारा वॉश आउट हो जाएगा, आपका सिस्टम हिपेरिनाइज हो जाएगा और जिसके कारण से क्लॉट नहीं आएंगे। एक बार आपका फ्लूइड क्लियर आने लगे तो इसमें हिपेरिन डालने की ज़रूरत नहीं है, है ना। लेकिन अगर कलर उसका अभी भी थोड़ा सा स्मोकी है या फिर थोड़ा सा रेड कलर आ रहा है तो आप हिपेरिन हर बॉटल में डाल सकते हैं। तो जब आप हिपेरिन डालते हैं, डालना है, ये सिस्टम बंद रख के इसको जब ऑन करेंगे तो फ्लूइड अंदर जाएगा। यहाँ से कैलिब्रेशन से आप डोज कैलकुलेट करोगे, अगर समझो 300 ml देना है तो 300 ml जाने के बाद में ये नॉब बंद कर दोगे। ड्वेल टाइम रखना है, स्टार्टिंग में आप ड्वेल टाइम नहीं रखेंगे क्योंकि आपको पूरा सिस्टम हिपेरिनाइज करना है, जो भी अंदर में ब्लीडिंग हो गया है वो बाहर निकालना है। जब बाहर निकालने का रहेगा तो आपको ये नॉब ओपन करना है जिससे कि पेट के अंदर जो भी फ्लूइड है वो बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद में आपको देखना है उसका फ्लो कैसा है और अगर उसका वॉल्यूम कितना है। अगर आपने 300 दिया है और समझो 350 फ्लूइड आया है, मतलब 50 ml आपने एक्स्ट्रा रिमूव किया है, तो आपका क्या टारगेट है उसके हिसाब से ये साइकिल आपको एडजस्ट करनी है। अगर आपको फ्लूइड निकालना है, जल्दी निकालना है फ्लूइड, तो आपका ड्वेल टाइम आप कम कर दीजिए। ड्वेल टाइम मतलब जितनी देर के लिए फ्लूइड पेट के अंदर रहेगा, आप 300 ml दीजिए और जैसे 300 ml जाता है इसको बंद कीजिए और फिर से इसको निकाल दीजिए। देखिए 300 का 350 कम से कम आना चाहिए या फिर 320-330। अगर इस तरीके से आपका ज़्यादा फ्लूइड निकलता है, मतलब बॉडी के अंदर का फ्लूइड आप रिमूव कर रहे हैं, अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है या फ्लूइड ओवरलोड के लिए आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, अगर आपको क्रिएटिनिन रिमूव करने के लिए है, तो आइडियली आपने जो वॉल्यूम डाला है 10-30 ml पर kg इनसाइड, इसके बाद में 30-40 मिनट के लिए उसको अंदर रहने देना चाहिए और उसके बाद में इसको रिमूव करना चाहिए। रिमूव करते वक्त आपको फ्री फ्लो रखना चाहिए कि पूरा 10 मिनट में जितना 15 मिनट में जितना था उतना पूरा आने देना है। लेकिन इसको हमको समझना है कि जितनी देर के लिए फ्लूइड अंदर रहेगा और जितने वॉल्यूम में फ्लूइड अंदर रहेगा उतना उसको ज़्यादा समय मिलेगा सोल्यूट को निकालने के लिए। तो आप किडनी के लिए पॉइजनिंग के लिए कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा और ड्वेल टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हाइपरकैलेमिया और इसके लिए कर रहे हैं फ्लूइड ओवरलोड के लिए, तो आप रैपिड साइकिल कर सकते हैं और स्टे टाइम या ड्वेल टाइम जो बोलते हैं उसको कम रख सकते हैं। अब एक बार जब आपने इसमें कैथेटर डाल दिया और इनिशियल 4-5 साइकिल्स आपने रैपिड करके उसको हिपेरिनाइज कर दिया, उसके बाद में आपको फास्ट से 10 मिनट के लिए इनफ्लो रखना है, 30-40 मिनट के लिए स्टे टाइम या ड्वेल टाइम रखना है और अगले 10-15 मिनट के लिए उसको ड्रेन करना है, डिपेंड कि उसका फ्लो कितना अच्छा आ रहा है उस हिसाब से। तो 1 घंटे का ये साइकिल होता है, ऐसे आपको 72 आवर्स तक के आप साइकिल्स कर सकते हैं। 72 आवर्स के बाद में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि बच्चे को ज़्यादा कुछ लगने नहीं वाला या फिर पेशेंट इम्प्रूव हो जाएगा 2-3 दिन में, अगले 2 दिन में, और आपके यूनिट में बहुत अच्छा असेप्सिस है, तो कुछ लोग 5-6 दिन के लिए भी पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, पर रिकमेंडेशन सिर्फ 72 आवर्स के ही है। दूसरा, बाय दैट ये एक टेम्पररी प्रोसेस है, ये पेरिटोनियल डायलिसिस करने से किडनी इम्प्रूव नहीं होने वाली, ये किडनी का काम कुछ देर के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी पैथोलॉजी रिवर्सिबल है तो हो सकता है 3 दिन में बच्चा रिकवर कर जाए, उसमें से बाहर आ जाए। अदरवाइज आपको अदर मोड्स ऑफ डायलिसिस रेडी रखना है, आपको उस हिसाब से कंसिडर करना है। अगर आप समझते हैं कि ये क्रोनिक किडनी डिसीज में जाने वाला है तो आपको CAPD कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस का ऑप्शन रिलेटिव को देखे रखना है, उसका अरेंजमेंट करके रखना है कि
क्योंकि बहुत से शहरों में कैथेटर और सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती, तो वो अवेलेबल करके रखना है, उसके हिसाब से उनको गाइड करके रखना है, या फिर हीमोडायलिसिस के लिए प्रिपेयर करके रखना है, या फिर आप सोचते हैं कि रिनल ट्रांसप्लांट लगेगा तो उसकी उसके हिसाब से सोच के रखना है। तो ये डायलिसिस टेम्पररी मेजर्स है, जब तक कि पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है वो फ्लूइड अंदर में ले लेगा, फ्लूइड और क्रिएटिनिन या फिर बाकी सारी चीज़ें उसको रिमूव करेगा। जिस दिन पेरिटोनियल डायलिसिस बंद कर दोगे उस दिन वो चीज़ें फिर से शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगी, अगर किडनी ने काम करना शुरू नहीं किया है। तो ये टेम्पररी बेसिस पे काम करता है। तो जैसा हमने समझा कि ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर काम करता है, और आप इसके अंदर काफ़ी मात्रा में डेक्सट्रोज होता है, तो पेशेंट का शुगर और सोडियम पोटेशियम आपको चेक करना है। तो जिस तरीके से हम समझते हैं कि यूरिन अगर बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाए तो पोटेशियम का लेवल कम होता है, उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल जाए, आपने 300 दिया, हर बार 350 आ रहा है शरीर में से, आपने देखा कि 400-500 ml 700 ml निगेटिव बैलेंस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को पोटेशियम कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको सोडियम पोटेशियम लेवल पेशेंट का चेक करना है, आपको उसका शुगर रेगुलरली चेक करना है, और इसके हिसाब से आपको फ्लूइड भी एडजस्ट करना है। अगर आपको समझो पोटेशियम कम आ गया, आपने ये रिपोर्ट देखा कि पोटेशियम कम हो रहा है, तो आपको इसमें पोटेशियम ऐड करना है। आप कितना ऐड करेंगे? अगर पोटेशियम 4-6 है तो आपको 1 ml पोटेशियम ऐड करना है। 1 ml मतलब 2 mEq पोटेशियम, 1 ml ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड इज इक्वल टू 2 mEq, है ना? तो 1 ml आपको डालना है। अगर 4 के नीचे जा रहा है तो आपको 2 ml डालना है, या फिर जो भी आपकी यूनिट की पॉलिसी है उस हिसाब से आपको इसके अंदर पोटेशियम डालना है। आप IV के थ्रू भी पोटेशियम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप PD फ्लूइड में ही डालो। जितना इनफ्लो जा रहा है उससे कम आउटफ्लो आता है, जैसे आपने 300 डाला और 250 वापस आ रहा है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा फ्लूइड निकाले, तो ऐसे स्थिति में PD फ्लूइड में हम 25% डेक्सट्रोज 25 ml या 50 ml ऐड करके उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पेशेंट है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर हिपेटिक डिसफंक्शन में आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड यूज़ करना है, या फिर आप इसमें बाइकार्बोनेट ऐड करके पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, जिससे कि एसिडोसिस करेक्ट होने में मदद हो। अगर समझो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है और आपका ऐसे इसमें फिर जो पेरिटोनियल वेसल्स है उसमें भी ब्लड का फ्लो कम रहेगा और आपका PD ढंग से काम नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको पहले बोलस देना है, बच्चे का ब्लड प्रेशर ऊपर लाना है, और उसके बाद में पेरिटोनियल डायलिसिस कम करना है। बहुत बार पेशेंट कंप्लेंट करता है कि PD चलते वक्त उसको पेन, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसका एक कारण रहता है कि आपका फ्लूइड अगर वार्म नहीं है प्रॉपरली तो भी पेरिटोनियल डायलिसिस वक्त पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, इसलिए इसको वार्म करना ज़रूरी है। वार्म करने के लिए आप उसको पानी में भिगो के रख सकते हैं, बॉटल को इंसर्ट के यहाँ पे लगाने से पहले, या फिर जो मैट्रेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल मैट्रेसेस आते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यूज़ करते हैं हॉट फोमेंटेशन के लिए, उसको इस तरफ लपेट के आप उसको पेरिटोनियल डायलिसिस उससे कर सकते हैं। अभी उसमें और कुछ ट्रबल शूट हमको समझना ज़रूरी है। अगर फ्लूइड आपका अंदर जा रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे आपका जो भी उसके होल्स है पेरिटोनियल कैथेटर के जो होल्स है उसको ओमेंटम ने पकड़ लिया है, और इसके कारण से जो आपका फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं हो रहा, ऐसे इसमें आपको पोजीशन बच्चे को रिपोजिशन करके देखना है, या कैथेटर को रिपोजिशन करके देखना है, या फिर बहुत बार आपको रीइंसर्ट भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फ्लूइड अंदर भी नहीं जा रहा और बाहर भी नहीं आ रहा, मतलब ये कैथेटर कहीं पे ब्लॉक हो गया है, आपको कैथेटर रिमूव करना पड़ेगा। अलावा अगर जो भी आपका फ्लूइड आ रहा है अगर वो थोड़ा सा टर्बिड आ रहा है, मतलब पेरिटोनियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में आपको पेरिटोनियल फ्लूइड माइक्रोस्कोपी और कल्चर के लिए भेजना चाहिए। अब इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस में जैसा कि हमने समझा कि अगर फ्लूइड अंदर जा रहा है और बाहर नहीं आ रहा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंड होके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि डायफ्राम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और जिसके कारण से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, इसमें ग्लूकोज है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है या पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और एक चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है कि अगर पेशेंट कोई मेडिसिन पे है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को एंटी कन्वल्सेंट चल रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं सेप्सिस के लिए, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में वो भी रिमूव होने के चांसेस रहते हैं, और आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसका डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो भी हमको समझना है कि एक इसमें आपके मेडिसिन भी
रिमूव हो सकते हैं। इसके अलावा जो कैथेटर इंसर्शन है उसके कारण भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, समझो अंदर में बॉयल परफोरेट हो सकता है, ब्लैडर परफोरेट हो सकता है, या फिर अंदर के किसी ऑर्गन को इंजरी हो सकती है। इसलिए प्रोसीजर करने के पहले ये हमेशा एडवाइज रहता है कि आप पेशेंट को कैथेटराइज कर दें, ताकि जो ब्लैडर है वो कोलैप्स रहे, और कोलैप्स होने के कारण फिर वो कैथेटर इंसर्शन के टाइम पे उसकी इंजरी कम होगी। और उसको बॉवल को परफोरेट होने से बचाने के लिए हम पहले एसाइटिस क्रिएट करते हैं और उसके बाद ही कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में पेशेंट को हर्निया हो सकता है। जब आपको पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया और आपको लगता है कि अभी पेरिटोनियल डायलिसिस बंद कर देना चाहिए, पेशेंट इम्प्रूव हो गया है, या फिर आपने दूसरे किसी मोडालिटी के ऊपर शिफ्ट किया है, तो कैथेटर रिमूव करते वक्त अगर आप इसको रैपिडली रिमूव करेंगे तो उसके साथ में कभी कभी मोमेंटम बाहर आ जाता है और मोमेंटम को री इंसर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कैथेटर रिमूव करते वक्त आपको बहुत स्लोली जो भी उसके ऊपर अटैचमेंट्स दिख रहे हैं, जो भी टिश्यू दिख रहा है, उसको कैथेटर से सेपरेट करते हुए धीरे 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 कैथेटर को रिमूव करना है, और जो भी छोटा सा पेरिटोनियम का टुकड़ा आपको बाहर दिखता है तो उसको फिर से एब्डोमिनल कैविटी में पुश कर देना है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो उसको इन्फेक्ट होने के चांसेस रहेगा। दूसरा, अगर आप उसको कट करते तो वो ब्लीड होता रहेगा, तो कट नहीं करना है और उसको धीरे धीरे करके एब्डोमिनल कैविटी में वापस से डाल देना है। कैथेटर रिमूव करने के बाद में बहुत सी यूनिट में कैथेटर का टिप कल्चर के लिए भेजा जाता है। अगर टिप नहीं भी भेजे तो कम से कम पेरिटोनियल फ्लूइड जो आखिरी का हम कलेक्ट करते हैं एब्डोमिनल कैथेटर रिमूव करने के पहले, तो उसको आप रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर के लिए भेज सकते हैं टू रूल आउट कि कहीं कुछ इन्फेक्शंस तो नहीं है।